सो ये है MSI का B450M Pro VDH Max मदरबोर्ड। सो ये आई थिंक ओल्ड है, अभी तो B550 आ गया है, लेकिन उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो आप ये अगर बजट में बना रहे हैं तो ये आपको अच्छा रहेगा। इसमें ये AM4 सॉकेट आता है, AMD Ryzen सपोर्ट करता है, एथलॉन AMD और वो मुझे मालूम नहीं है, AMD Ryzen 3000 रेडी है। इसमें बायस वगैरह अपडेट नहीं करना पड़ता, ये पहले से ही रेडी आता है। इसकी प्राइस यहाँ पे नहीं लिखी है, इसमें आपको RGB का सपोर्ट भी मिल जाता है, RGB हेडर आता है, सो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये सारे इसके फीचर्स हैं। सो ये एंटी स्टैटिक इसके इसमें आता है पैकेज में, ताकि ये सेफ रहे इसमें। सो आप देख सकते हैं ये प्रो VDH मैक्स में ये 4 RAM के स्लॉट हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ये मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे लगाया है M2 Pro मैक्स मदरबोर्ड, इसमें 2 RAM के स्लॉट हैं। सो अपने कुछ इसमें एडवांटेज होते हैं, सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये RGB का भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर आपके पास RGB फैन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है gRGB 1। सो काफ़ी बढ़िया है। और ये सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये USB 3.0 के आपको टोटल 4 पोर्ट्स मिलेंगे, और USB 2.0 के आपको 2 मिलेंगे, और ये HDMI, ये क्या डिस्प्ले पोर्ट है, और ये VGA पोर्ट है, और यहाँ पे ये ऑडियो के लिए दिया है सारे पोर्ट्स। और आप ये फीचर्स देख सकते हैं इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है, DDR4 RAM और बाकी सारे फीचर्स। M.2 इसमें NVMe भी सपोर्ट करेगी, नॉर्मल ये M.2 भी सपोर्ट करेगी। सो ये प्रो VDH मैक्स और प्रो M2 मैक्स में सिर्फ 1000 रुपीज़ या फिर 1500 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। एंड ये आपको इसमें ये 2 ज़्यादा रैम के स्लॉट मिलते हैं, 4 RAM स्लॉट टोटल। सो एंड RGB का भी सपोर्ट मिलता है, सो आपको चूज़ करना है आपको कौन सा वाला लेना है। सो स्क्रू लग गया। सो ये प्री VDH प्रो मदरबोर्ड में हमने ये एक रैम लगाई है, ये 16 GB की है, और ये ग्राफिक कार्ड है 1660 सुपर और राइजन 53600 प्रोसेसर। और इसमें यहाँ पे आपको RGB का स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, और दूसरे काफ़ी सारे सेम ही हैं। यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव को अटैच कर सकते हैं सेटा केबल से, और यहाँ पे इसमें आप M.2 का स्लॉट बहुत ही नीचे होता है ग्राफिक कार्ड के नीचे, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। सो ये प्री VDH का बिल्ड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये अच्छा है, अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हो तो आप इस वाले PC में, हमने M.2 Pro M.2 लगाए हैं, सो आप ये भी लगा सकते हैं आपका बजट कम हो तो यहाँ पे। लेकिन इसमें आपको रैम के स्लॉट 2 ही देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं, और RGB का स्लॉट भी नहीं मिलता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।